नमस्कार जुहार, छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रही हैं कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में बढ़ाया गया श्रमिकों का महंगाई भत्ता, श्रम विभाग ने आदेश किया जारी। राज्य सरकार ने मजदूरों की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग ने संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए 1 अप्रैल 2024 से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता निर्धारित की गई है। लेबर ब्यूरो शिमला से प्राप्त औद्योगिक सूचकांक में जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 के मध्य 14 बिंदु की औसत वृद्धि हुई है, जिसके अनुसार प्रति बिंदु 20 रुपए की मान से 45 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में प्रतिमाह 280 रुपए की वृद्धि की गई। राज्य में ई वे बिल पर मिल रही छूट खत्म, व्यापारियों पर होगा असर। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है, बीजेपी सरकार ने ई वे बिल पर व्यापारियों को मिल रही छूट को खत्म कर दिया है। सरकार का कहना है कि अब 50,000 रुपए से ज्यादा का माल ले जाने पर ई वे बिल जनरेट करना होगा। इस प्रक्रिया से टैक्स चोरी बचेगा, साथ ही टैक्स चोरी करने वालों की प्रवृत्ति पर भी रोक लगेगी। ई वे बिल के प्रावधान में छूट खत्म होने से ईमानदारी से टैक्स जमा करने वाले व्यापारियों को फायदा होगा। इसके साथ साथ बोगस और कच्ची बिलिंग पर भी अंकुश लगेगा। फालोदा सट्टा बाजार ने खोला सीजी का ट्रंप कार्ड, 4 सीट के पेंच में फंसी बीजेपी। लोकसभा 2024 का चुनाव इतिहास बनाने की ओर अग्रसर है। देश भर में कयासों का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। चुनाव अब अपने अंतिम दौर में है, लेकिन इसी बीच सट्टा बाजार जनता में उत्सुकता बनाए रखने के लिए भांति भांति की भविष्यवाणियां कर रहा है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार सट्टा बाजार सक्रिय है, लेकिन फलोदी का नाम इन सब से ऊपर है। फलोदी सट्टा बाजार ने तो पूरे देश में अनुमानों और भविष्यवाणियों का एक नया तरीका ही इजाद कर दिया है। छत्तीसगढ़ पावर गेम्स आय का बढ़ता सियासी कद और पावर ऑफ कलेक्टर। छत्तीसगढ़ पावर गेम का मई महीने का अंक इस वक्त आपके हाथों में है। प्रदेश और देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार गुड गवर्नेंस की दिशा में आगे बढ़ रही है। 6 महीने में ही मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। उधर सेवा से बाहर किए गए IPS अधिकारी GP सिंह की वापसी हो गई है। इसके साथ ही नए DGP को लेकर समीकरण भी बदला गया है। छत्तीसगढ़ के 56 अधिकारी निभाएंगे मतगणना प्रेक्षक की भूमिका। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अंतर्गत आगामी 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए छत्तीसगढ़ के 56 अधिकारियों को देश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना प्रेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निर्वाचन प्रक्रिया में प्रेक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए उन्हें मतगणना की बारीकियां बताई गई हैं। इस दौरान मतगणना में उनकी क्या भूमिका है, ETPBS एवं डाक मतपत्रों की गणना एवं EVM से मतगणना संबंधी सभी बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई है। छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका। छत्तीसगढ़ के लोगों को बिजली का बड़ा झटका लगने वाला है। आचार संहिता के बाद बिजली कंपनी अपने टैरिफ प्लान में बड़ा बदलाव करने वाली है। इसको लेकर बिजली कंपनी तैयारी कर रही है। लोकसभा चुनाव के आचार संहिता के बाद बिजली कंपनी बिजली दरों में लगभग 20% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी पर 4,420 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय की जरूरत है। छत्तीसगढ़ के लोगों को बिजली का बड़ा झटका लगने वाला है। छत्तीसगढ़ के सभी उद्योगों में सुरक्षा मापदंड की होगी जांच। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा फैक्ट्री हादसे के बाद प्रशासन जागा है। राज्य सरकार अब उद्योगों में सुरक्षा मापदंड को लेकर गंभीर हो गई है। उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने श्रम विभाग के सचिव को उद्योगों में जानलेवा हादसे में कमी लाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। इनमें विस्फोटक और ज्वलनशील सामग्रियों का उत्पादन का या प्रयोग करने वाले उद्योगों का विशेष सुरक्षा जाँच करना शामिल है। उद्योग मंत्री देवांगन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सोमवार की देर शाम मुलाकात कर बेमेतरा के औद्योगिक हादसे पर गहन चर्चा की है। छत्तीसगढ़ में 4 दिनों तक सताएगी भीषण गर्मी। नौतपा का 4th दिन है और राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर के जिलों में तेज धूप के साथ भीषण गर्मी पड़ रही है। इसी क्रम में इस महीने के आखिरी तक रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में लू की संभावना है, साथ अधिकतम तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में सबसे गर्म बेमेतरा जिला रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 30 मई तक छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के कई जिलों में 1-2 जगह पर ग्रीष्म लहर जैसी स्थिति बनने की संभावना है।
छत्तीसगढ़ में जवानों ने 15 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। बम ब्लास्ट कर भागने की तैयारी में थे माओवादी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जवानों ने जिले के गुमलनार के गिरसा पारा की पहाड़ियों पर गश्त करते हुए 15 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। जवानों ने इन सभी नक्सलियों ने इलाके में घेराबंदी करते हुए हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि इन गिरफ्तार नक्सलियों के पास से जवानों ने आईईडी, बम, पिट्ठू बैग, नक्सली वर्दी, सब्बल, फावड़ा, दैनिक उपयोग के सामान जब्त किया गया है। ये नक्सली जवानों पर बम ब्लास्ट कर भागने की फिराक में थे, जिन्हें जवानों ने गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ में टीबी दवा खत्म, 5 महीने में मिले 13,264 टीबी मरीज। स्वास्थ्य विभाग ने साल 2025 तक छत्तीसगढ़ को पूर्ण रूप से टीबी मुक्त कराने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश भर में लगातार तेजी से सामने आ रहे टीबी के मामलों ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। दूसरी तरफ सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क मिलने वाली दवाएं भी खत्म हो रही हैं। इसकी वजह से टीबी मरीजों में MDR का असर हो रहा है, इसमें मृत्यु दर 60% तक है। वहीं कोरोना की तरह फैलने से ये स्वस्थ लोगों को भी अपना शिकार बना रहा है। छत्तीसगढ़ में 10 मेडिकल कॉलेजों में है 1,910 सीटें, नए सत्र में प्रवेश लेने मान्यता मिलने का इंतजार। छत्तीसगढ़ के 10 मेडिकल कॉलेजों को शिक्षा सत्र 2024-25 के लिए मान्यता मिलने का इंतजार है। नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से हर वर्ष मेडिकल कॉलेजों को लेटर ऑफ परमिशन दी जाती है। साथ ही शासकीय और 3 निजी मेडिकल कॉलेजों को अभी तक LOP नहीं मिली है। कॉलेज प्रबंधन को अनुमान है कि मई के अंतिम सप्ताह तक NMC की तरफ से LOP मिल जाएगी। इससे MBBS की 1,910 सीटों में प्रवेश का रास्ता खुल जाएगा। जून से भरे जाएंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं और 12वीं के सप्लीमेंट्री फॉर्म। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं पूरक परीक्षा के लिए आवेदन अगले माह जून से शुरू हो जाएगी। वहीं परीक्षा जून में ही आयोजित करने की तैयारी है। जानकारी के अनुसार 10वीं बोर्ड परीक्षा में 19,012 छात्र पूरक परीक्षा के लिए पात्र हैं। वहीं 12वीं में 22,232 छात्रों पर पूरक लगा है। माशिम के मापदंड के मुताबिक 1 या 2 विषय में पूरक परीक्षा की पात्रता देते हैं। छत्तीसगढ़ में वंदे भारत में खराबी, गर्मी में यात्री परेशान। देश की सबसे तेज और हाईटेक वंदे भारत एक्सप्रेस का पेंटो OHE में फंस गया। इसके चलते ट्रेन की बिजली बंद हो गई और सभी कोच में अंधेरा छा गया और AC बंद हो गई। भीषण गर्मी में ट्रेन 2.5 घंटे तक छत्तीसगढ़ के भाटापारा निपनिया के पास खड़ी रही। इससे परेशान यात्रियों ने जमकर हंगामा मचाया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जोनल मुख्यालय बिलासपुर से नागपुर और नागपुर से बिलासपुर तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में पहली बार तकनीकी खराबी आई और ट्रेन के पहिए थम गए। केदारनाथ के बाद अब कन्याकुमारी, आखिरी वोटिंग से पहले पीएम मोदी साधना में होंगे लीन। लोकसभा चुनाव का प्रचार खत्म होते ही पीएम मोदी साधना में लीन होंगे। वो कन्याकुमारी में विवेकानंद मेमोरियल के ध्यान मंडपम में 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान करेंगे। सालों पहले इसी चट्टान पर स्वामी विवेकानंद ने 3 दिनों तक ध्यान कर विकसित भारत का दर्शन दिया था। ये भारत का दक्षिणतम छोर है। पीएम मोदी बोले, 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और तेज होगी। पीएम मोदी ने झारखंड के दुमका जिले में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और तेज होगी। मोदी ने कहा कि कांग्रेस JMM वाले धमकी देते हैं कि मोदी को हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि वो फिर से घोटाले कर सकें। 4 जून के बाद नई सरकार बनेगी। सरकार बने के बाद मैं 3 करोड़ और मकान बनाऊंगा, पक्के घर गरीबों के लिए बनाऊंगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।